हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है दशहरा और दिन है आज वेडनेसडे का। तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सुबह मैं उठी और बस मैंने फटाफट अपना नहा लिया था और आज मैंने ये सूट पहना है। और ये सूट मेरे किसी रिश्तेदार ने दिया था, ठीक था तो मैंने पहन लिया, इतना कुछ खास भी नहीं था। तो बस इस वजह से ही पहना था कि चलो घर में पूजा है तो पहन लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और दशहरे वाले दिन हमारे घर पर बनते हैं दाल चावल। किस किस के घर पे दाल चावल बनते हैं हमें प्लीज़ बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर मैं दाल की तैयारी कर रही थी और मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। मिक्स दाल मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दाल मतलब 1 से 1.5 कटोरी ली थी। तो मैं उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं उसको चढ़ा दूँगी और फिर दूसरी तरफ मुझे चावल की भी तैयारी करनी है। तो रात को जो बर्तन मैंने धुल के रखे थे उनको मैं जगह पर लगा रही हूँ। फिर स्लैब क्या है ना कि छोटी है स्लैब ना, तो फिर वो भरी भरी लगती है, फिर काम नहीं होता। तो जितने भी बर्तन धुले थे उनको सबको मैं लगा के फिर उसके बाद मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट कर दूँगी। और जो हस्बैंड है वो नहा कर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी दूसरी तरफ चावल निकाल रही हूँ मैं। चावल भी मैं 1 से 1.5 कटोरी ही बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा हम चावल खाना इतना पसंद नहीं करते। कभी कभी चावल बनते हैं हमारे घर पे, मतलब 2 महीने में 1 बार, और वो भी अगर कुछ कड़ी हो या कुछ ऐसा स्पेशल कुछ बना हो तब, राजमा वगैरह तभी चावल बनते हैं, इतना हम चावल नहीं खाते। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए हैं, अब उनको अच्छे से वॉश करके फिर थोड़ी देर भीगने के बाद फिर मैं उनको भी बनाना शुरू कर दूँगी। तो दाल चावल बनाने के बाद हमने मतलब पूजा कर ली थी, फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद अब यहाँ पर मैंने टी शर्ट पहन ली है क्योंकि मैं बालों में मेहंदी लगा रही थी और इसको मैंने सुबह ही भिगोने मतलब भिगो के रख दिया था। तो अभी जो टाइम हो रखा था वो 11 बजे का टाइम हो गया था। तो बाल जो है काफ़ी मेरे मतलब हो रहे थे कुछ कुछ वाइट बाल, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं मेहंदी ही लगा लेती हूँ, फ्राइडे भी है। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और मेहंदी के लिए मतलब मैंने उसमें कॉफ़ी ऐड की थी। कॉफ़ी से क्या होता है ना कि अच्छा कलर आ जाता है बालों में। तो बाल भी मुझे सोच रही हूँ कि मैं रिबॉन्डिंग करा लूँ, स्मूथनिंग कुछ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं क्या कराऊँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हो रखे हैं ना, फ्रिजी से और गंदे से। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि कुछ मंथ के लिए बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, तो बस इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं मेहंदी मैं खुद ही अप्लाई करती हूँ, मतलब मैं कर लेती हूँ अच्छे से, इतनी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आके बालों में मेहंदी लगाए। तो काम मेरा कंप्लीट हो गया था, बर्तन वर्तन सब करने के बाद ही मैं ये कर रही थी क्योंकि दाल चावल ही थे। और फिर उसके बाद फिर हम बाहर का ही सोच रहे थे कि आज जैसे छुट्टी भी है तो बाहर ही कुछ खाएँगे पियेंगे। तो अभी तो नहीं मैं जाऊंगी मेहंदी लगाने के बाद, कम से कम 2 घंटे तक तो मैं जाऊंगी नहीं कहीं पे। जब बाल ये सूख जाएगी अच्छे से फिर वॉश करके फिर ही जाऊंगी उसके बाद मैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I
got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. तो अभी टाइम था 2:30 बजे का और बाल बाल मेरे सूख गए थे और अब हम जा रहे हैं जो दशहरे का जो भी मतलब रहता है ना, मतलब दशहरे की जो पूजा का सामान होता है उसको हम अब विसर्जित करने जा रहे हैं नदी में। तो बस हम निकल गए थे घर से और फिर उसके बाद देखते हैं हम, क्योंकि मुझे कुछ काम भी थे, टेलर के पास भी मुझे जाना था। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले तब हमने देखा कि बाहर तो मेला लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं चला था घर के अंदर कि बाहर कितनी रौनक लग रखी थी। और ये बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल गली से बाहर ही निकलते ही था, पता नहीं घर पर आवाज़ ही नहीं आ रही थी कुछ ऐसा, तो हमें लगा कि कुछ होगा नहीं। तो जैसे ही हम बाहर निकले फिर बाहर बहुत रौनक थी, फिर हमने सोचा कि बस फटाफट से हम विसर्जित कर आएँ और फिर उसके बाद फिर हम मेला देखेंगे, क्योंकि रावण भी लगा रखा था तो सारा कुछ देखना है, जो रावण का जो दहन होगा वो सब कुछ। Never really noticed what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. तो बस फिर हमने वापसी में आते हुए रास्ते में आइसक्रीम खाई, मतलब बहुत प्यास लग रही थी तो पीने के लिए तो इतना कुछ मिला नहीं, फिर हमने सोचा कि आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं गई थी मेला देखने के लिए, उसकी वीडियो अगली आएगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस यही छोटा सा व्लॉग था मेरा, मतलब मैं आपको दिखा रही थी कि फेस्टिवल वाले दिन हमारे कैसे निकलते हैं। तो अभी तो फेस्टिवल का टाइम शुरू हो गया, तो आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। तो बस उसके बाद हम अभी जो भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है वो मैं घर पे रख के फिर उसके बाद हम मेला देखने निकलेंगे। और ये हमारे घर के पास बिल्कुल छोटे छोटे पपीज़ थे और मुझे पपीज़ बहुत पसंद है, तो आप लोग भी इन्जॉय कीजिए।